आपके मोबाइल स्क्रीन पर जो ये हवाई जहाज़ दिख रहा है, ये कोई आम हवाई जहाज़ नहीं है। समस्तीपुर जिले के एक सरकारी स्कूल में हेडमास्टर साहब ने अपने छात्रों के लिए ये हवाई जहाज़ ख़ास तौर से तैयार करवाया है। कहानी क्या है आगे आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले ज़रा देखिए हवाई जहाज़ के अंदर का नज़ारा क्या है। समस्तीपुर के सीवे सिंहपुर इन दिनों आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ एक हेडमास्टर साहब जिनका नाम मेधन सहनी है, इन्हें ऐसा कुछ किया है कि हर ओर अभी उन्हीं की चर्चा हो रही है। दरअसल HM मेधन सहनी यहीं के सीवे सिंहपुर के उत्कर्मित मध्य विद्यालय के हेडमास्टर हैं। छात्रों के लिए उन्होंने हवाई जहाज नुमा लाइब्रेरी का निर्माण कराया है, जिसमें 25 छात्र एक साथ बैठकर पढ़ाई कर सकते हैं। बाहर से बिल्कुल हवाई जहाज़ की तरह दिखने वाला ये स्कूल में बनाया गया आकृति है जो हवाई जहाज़ की तरह दिखता है। तो शिक्षा एक्सप्रेस तो बच्चा सबका सर, आप हवाई जहाज भी बनाइए। उसी समय दिमाग में आया जो हवाई जहाज बच्चा से बोला है तो जरूर एक दिन हम बना के रहेंगे, और आज ये काम पूरा हो गया। इस स्कूल में मेरा 4 साल हुआ है, 22 से 25 बच्चे बैठ करके पढ़ेंगे एक साथ। हाँ, एक साथ बैठ करके पढ़ कर है, दिमाग में तो है। और इसी बार आया दिमाग में, अगर हमारे स्कूल से 10 बच्चे इस बार 2022 में स्कॉलरशिप में पास कर जाते हैं, उसको पटना से दिल्ली हम हवाई जहाज से ही ले जाएंगे। लाइब्रेरी का बाहरी और भीतरी स्वरूप ठीक हवाई जहाज की तरह ही बनाया गया है। इसके अंदर बैठकर छात्र किसी भी पुस्तक का अध्ययन कर सकेंगे। यह अपनी तरह का समस्तीपुर का पहला लाइब्रेरी है जो हवाई जहाज की तरह है। इसमें हवाई जहाज की तरह सीटें लगाने की व्यवस्था की जा रही है। प्रत्येक क्लास के छात्र को बारी बारी से इस हवाई जहाज में पढ़ने का मौका दिया जाएगा। इसके भीतर बैठकर हवाई जहाज में बैठने जैसा महसूस छात्र और छात्राएं कर सकेंगे। हेडमास्टर साहब कहते हैं कुछ स्कूलों में शिक्षा एक्सप्रेस सहित अन्य स्कूलों में बने आर्किटेक्ट को देखकर मुझे भी कुछ करने की इच्छा शक्ति जगी। सरकारी स्तर पर इस तरह का कुछ करने के लिए राशि की व्यवस्था नहीं थी, तो हमने ठान लिया कि इसे अपने निजी पैसा से बनाएंगे, और शिक्षा उड़ान आज बनकर तैयार हो गया। हेडमास्टर साहब ने इसका नाम शिक्षा उड़ान रखा है, यानी जो बच्चे इसमें पढ़ेंगे उसे ठीक लगेगा कि वो हवाई जहाज में बैठकर पढ़ रहे हैं। इसे बनाने में कुल 2 लाख रुपये हेडमास्टर साहब ने खर्च किए हैं। हेडमास्टर साहब यहाँ तक कहते हैं इस बार अगर 12 छात्रों को स्कॉलरशिप मिलता है तो वो अपने खर्चे पर इन बच्चों को पटना से दिल्ली तक की हवाई यात्रा कराएंगे। जाहिर तौर पर गुरु और शिष्य का नाता ही ऐसा होता है, भारत में तो इसकी परंपरा रही है। लेकिन मेधन सहनी जो कि हेडमास्टर हैं, उन्होंने जो कुछ किया है उससे ये प्रेरणा मिलती है कि बिहार में इस तरह के प्रयोग से छात्रों के जीवन में बहुत कुछ बदलाव आ सकता है। कम से कम जो छात्र गरीबी की वजह से हवाई जहाज को आसमान में उड़ते हुए देखते हैं, उनके लिए ये अनोखा अनुभव होगा कि वो अपने स्कूल में हवाई जहाज में बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। राहुल जाता ऊपर लंबा था।